हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 3:52 AM टाइम हो चुका है। आज जो मैं थोड़ा सा एक कोशिश है, क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता उसे बार बार, पर कहीं ना कहीं उससे 3 to 4 क्वेश्चन एक सिंपल पार्ट से, हिस्ट्री के पार्ट से, मतलब अगर एंशिएंट और मिडिवल देखेंगे, उसी से 3 to 4 क्वेश्चन हर साल एक UPSC एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पुट अप हो रहे हैं। अभी बोरिंग है, मेरे लिए बोरिंग है, पर UPSC बोरिंग है, सही है, पढ़ना तो मुझे है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने उसकी जो लेटेस्ट बुक है, जो अभी लूसेंट की बिल्कुल लेटेस्ट जो है, बिल्कुल न्यू वाली 2021 की जो लेटेस्ट है, मैंने कुछ PDF वीडियो देखे पुरानी की, लेटेस्ट जो है उसकी मैं आज एक रिकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और होपफुली आप बोलते होंगे सारी रिकॉर्डिंग सर आधे में ही छोड़ देते हो, कि बेसिकली रीज़न क्या है कि उसके पीछे मेरे भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम होते हैं, तो बीच बीच में से UPSC मेंस हो गए, ये सब एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। पर मेरी होपफुली रहेगी कि इस वीडियो की एक वीक के अंदर मैं लूसेंट की मिडिवल हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़वा दूँ, उसका एक रीज़न बताऊँ क्यों मिडिवल और इससे पढ़नी चाहिए। देखो, एंशंट फैक्टली बेस है, फैक्ट मिले उसके हिसाब से हमने हिस्ट्री लिखा, और कहीं ना कहीं जो मिडिवल है वो भी फैक्ट बेस्ड है, जो फैक्ट थे उनके हिसाब से हमने बेस हुआ। पर जो मॉडर्न आ जाएगी, मॉडर्न फैक्ट प्लस स्टोरी बेस है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मतलब समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हुआ कि सूरत स्प्लिट हुआ तो क्यों हुआ, मॉडरेट थे वो, उनके विचार क्या थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के क्या विचार थे, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। पर यहाँ पे कोई विचार नहीं देखने, आपको यहाँ पे फैक्ट देखने हैं, फैक्ट की पावर ज़्यादा है। अब इस बुक से अच्छे फैक्ट किसी बुक के अंदर नहीं मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली बुक। बुक का जो मेन पार्ट, देखो इससे पीछे बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो एक वीडियो में कवर कर दूंगा। जो मेन स्टार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, यहाँ से, मतलब कि ये देखो गिनो हिंदी में इकाई ढाई सैकड़ हज़ार लाख 10 लाख करोड़ ऐसे भी कह सकते हैं, 1, 10, 100, 1000 ऐसे भी। हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा मैं, पर मैं थोड़ा सा याद है मुझे थोड़ा, तो ये 3 करोड़ BC से लेके 600 BC तक पीरियड एक इन्होंने बताया, जिसमें बताया कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड था, मतलब कि बहुत पुराना पीरियड था, मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मैन का इवोल्यूशन कहाँ से बोला जाता है, देखो अफ्रीका से बोला जाता है, अफ्रीका से हुआ था, और उसे कैटल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोला जाता है, मतलब तो आपको बस इतना याद रखना, और कोई इसमें है नहीं, कुछ इसके पीछे थ्योरी है कि जो कनेक्ट करती है कि इंसान का जन्म वहाँ से हुआ। देखो एक तो थ्योरी ऐसी होगी, देखो देखने में अफ्रीकन लगते थे, फिर भी अफ्रीकन बाद में जाके चेंजेज हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से, जब वहाँ की कंडीशन हमने टेम्परेचर को अडोप्ट करना स्टार्ट किया। देखो कुछ थ्योरी हैं ये, देखो जैसे आपकी ऑस्ट्रियल है, होमो वाली है, होमोसेफियन वाली है, होमोसेफियन जब पूरी तरह बन चुके, तो ये कुछ स्टोरी है, ये बिल्कुल हमारे कोई काम की नहीं है, बिल्कुल हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमें इसमें फिलॉसफी देखनी है। तो दो स्टोरी जो मेन है, एक थी आपकी यूनिटरी ओरिजिन की और एक है आपकी पैरेलल ओरिजिन की। अब यूनिट ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है, वो बोलते हैं जो मॉडर्न मैन जो इवोल्यूशन हुआ, ये होमो एरिस्टिटस करके इन अफ्रीका से वहाँ से ओरिजिन हुआ, माइग्रेट हुआ डिफरेंट रूट से और डिफरेंट अर्थ की जाके ये सेटल हो गए, जैसे यहाँ पे ओरिजिन हो, यहाँ से यहाँ चले गए रशिया, इधर इंडिया आ गए, इधर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना, मतलब ऐसे ऐसे फैलते चले गए। पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है, इसमें नाम ही उसके वो आ रहा है कि ऐसा हुआ कि कई सारी जगह एक साथ हो गए, ह्यूमन इवोल्यूशन पैरेलल हो गया सेवरल प्लेसेस पे, जैसे इंडिया में भी हो गया, अफ्रीका में हो गया, ये हो गया, पाए अफ्रीका में पहले गए, इसलिए वहाँ पर ही बोला जाता है कि वो अपना फिर फैलना स्टार्ट हो गए। पर यूनिटरी क्या बोलती है, एक जगह वो फैल गए, और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है, हर जगह अलग अलग हुए थे और उसके हिसाब से वो चलते गए। फिर इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिमेन्स मिले, मतलब ये सब चीज़ें, मदर ऑफ मैन, ये वो सब, लूसी इज नोन एज द मदर ऑफ मैन, फीमेल स्केलेटन मिला, ये सारी चीज़ बोली जाती है, लिमिटेड टू अफ्रीका ओनली, जो उसकी आपकी होस्टल वाली है, जो इसमें देखो नाम में इसके अफ्रीकनस करके वर्ड आया, तो ये बोलते हैं कि ये लिमिटेड टू अफ्रीका में ही थे, और फिर ये होमोस्टर जो थे बहुत जगह यूरोप एशिया अफ्रीका में ये फैले हुए थे, उनके फोजल्स वहाँ से मिलते हैं, फिर होमोसेफियन ये और भी फैले हुए थे, मतलब जर्मनी अफ्रीका एशिया यूरोप में इनकी चीज़ें मिलती हैं। अब जो बॉर्डन है होमोसेपियन वाली जो है, बिल्कुल आपके कैरोमार्गन वाली जो है, वो बोलती है कि सब जगह एवरीवेयर ऑन द अर्थ, तो जैसे बढ़ते रहे वैसे वैसे फैलते गए आगे चलते गए। तो जो पैलियोलिथिक एज स्टार्ट होने से पहले एक एज और बोला जाता है जिसे स्टोन एज बोला जाता है, मतलब ये पूरी पैलियोलिथिक को एक एज में काउंट करेंगे, जिसे लिथिक एज और स्टोन एज बोला जाता है,
मतलब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन टू लैक टेन लैक, यानी कि 30 लाख BC से 1000 BC के बीच में जितनी एज थी उनको स्टोन एज बोला जाता है, स्टोन एज या लिथिक एज। लिथिक का कहीं ना कहीं मतलब ही स्टोन होता है, पैलियो पढ़ेंगे और लिथिक पढ़ेंगे, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। देखो यहाँ पे है ये, तो इस स्टोन को लिथिक एज बोल दो या स्टोन एज बोल दो। स्टोन क्योंकि जैसे जैसे स्टोन मिलते गए, जैसे ये कुल्हाड़ी मतलब ये थोड़ा पतला वाला मिल गया, ये थोड़ा मोटा चपटा वाला मिल गया, तो उसके हिसाब से हम एज का नाम रखते गए, क्योंकि कोई लिखित तो स्टोरी थी नहीं, कोई हमारे लिख के तो गया नहीं था, तो उसके हिसाब से स्टोन एज बोलते हैं। अब इन्होंने इस लिथिक एज को भी तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला पैलियोलिथिक एज जो आपकी 30 लाख से लेकर 10000 BC तक है, फिर मिसोलिथिक 9000 से 4000 BC तक है, फिर नियोलिथिक एज 7000 से 1000 BC तक है। अब लाइफ स्टाइल क्या था इसमें, देखो सारी एज में हंटर गैदरर थे, पर जो नियोलिथिक आई मतलब न्यू मतलब एकदम से न्यू कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद सीधे हम फिर मॉडर्न हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो पहली दो स्टेज में हम क्या करते थे, हंटर एंड गैदर थे, मतलब यहाँ खा लिया आगे चले गए, हंटर यहाँ गैदरिंग कर ली यहाँ पे चले गए, ठीक है। मतलब वही होते थे चॉपर, मतलब चॉपिंग करने के, बड़े बड़े चॉपिंग करने के स्टोन होते थे, उनसे स्टोन करते रहते थे। जो मीसोलिथिक है इसमें माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स आ गए थे, मतलब माइक्रो थोड़े पतले शार्प छोटे कर दिए थे। और जो नियोलिथिक है इसमें पॉलिश, भैया मॉडर्न हो रहे हैं तो पॉलिश वाले आइटम आएंगे ना, तो फूड प्रोड्यूसर हम बन गए थे, अनाज उगाने लगे थे, कैटलिंग करने लगे थे, मतलब पालने लगे थे जानवरों को। तो ये है, तो हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। अगर ओल्ड स्टूडेंट पूछे तो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, पैलियोलिथिक एज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ओल्ड स्टोन एज है इंडिया में कहाँ से, मतलब कि इसकी क्रेडिट जो सिस्टमेटिक डिस्कवरी होती है पैलियोलिथिक एज की, कहीं ना कहीं मतलब जो राइटर थे आपके रॉबर्ट करके नाम है इनका, वो कहीं ना कहीं इसको चेक करते हैं, फुटेज चेक करते हैं, और जियोलॉजिस्ट थे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कब थे वो अंग्रेजों के ज़माने के थे, 1871 में। रॉबर्ट, बहुत सारे रॉबर्ट भी हैं, रॉबर्ट क्लाइव हुआ, बहुत सारे उसमें भी हैं, तो रॉबर्ट नाम से आप याद रखो। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया था 1851 में, ये कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्कवर किया था पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली थी। कहाँ पे मिली थी, जो आपका तमिलनाडु एरिया, देखो इतना बारीक जाओगे, पल्लावरम बोलूँगा मैं, ठीक है ना, वो चिंगलिंगपुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऐसे नहीं, बस तमिलनाडु के अंदर, आपको याद रखना है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। 1863 RB Footy नोन एज द फादर ऑफ पैलियोलिथिक हिस्ट्री, जो रॉबर्ट थे वही, जो यहाँ पे नाम है इनका RB Footy जो थे वही, उनको फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज इंडिया के अंदर बोला जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, अगर कहीं ना कहीं पूछे जा सकते। फिर और आगे बढ़े, भाई अंग्रेजों की बात कैसे मानेंगे, हमारे साइंटिस्ट कम है क्या, हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कम है क्या, वो भी आएंगे। तो अरुण सोनाकी करके नाम के 1982 में ये आगे आते हैं, ये भी कुछ सर्च करते हैं, चीज़ें देखते हैं, डिस्कवर करते हैं। क्या डिस्कवर करते हैं, एक वुमेन का एक स्कल मिलता है, खोपड़ी मिलती है, कहाँ पर मिलती है, हथनोरा में। ये हथनोरा कहाँ है, ये नर्मदा वैली के आसपास है। नर्मदा वैली कहाँ है, ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा वो विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा रिवर, जो आपका इधर कच्छ में मिल जाती है, रिफ्ट वैली के बीच में बहती है। इसको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में काउंट किया जाता है, क्योंकि रिफ्ट वैली में बहती है तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कच्छ में जाके गिरती है। ये हो गया तापी, हो गया और भी छोटी छोटी हैं। तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने फाइंड किया, क्या नाम था, अरुणा सोनाकिया करके, जो थे जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या मिला, एक खोपड़ी मिली औरत की, तो उन्होंने वो फाइंड किया। तो उन्होंने जब उसका कार्बन एज निकाली, कार्बन डेटिंग एज निकालते हैं, उससे टेस्ट किया, तो कई पैलियोलिथिक एज की ये खोपड़ी कहीं ना कहीं मिली थी। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, ठीक है, इंडिया के लिए, इतना ग्लोबल मतलब मैपिंग, मतलब हिस्ट्री का कोई चीज़ मिल रही थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये सारी इन्होंने इस चीज़ में चेक किया। फिर पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन लाइफ कैसी थी, भाई इंसान कैसे रहता था, मैंने आपको क्या बताया, सीधा दिमाग में आना चाहिए हंटर एंड गैदर था, ठीक है। पीपल वांट, मतलब टोटली मतलब प्रिमिटिव था, मतलब वही पुराने भेस में रहना, हंटिंग करना, यहाँ से नेचर के साथ चीज़ें रखना, कि ठंड हो रही है तो ये पहन लो, ये कर, ये कर लो, नेचर के साथ चलना। फूड में क्या करता, मीट फ्रूट जो जड़ें होती थी, कहीं से फल मिल जाता था, फल का भी तो नहीं पता था, खाने लायक है नहीं है, वो जहरीला फल भी हो सकता था, तो जो भी खाते गए, ठीक है, अच्छा लगा, उसे खाना स्टार्ट किया, फल बन गया, ठीक है। तो बस उनको नहीं पता था कि कुछ ऐसा ये अनाज भी होता है, वो वेजिटेबल्स भी होते हैं, उनको भी कुछ ऐसा नहीं पता था। अभी तक ये कुक फूड नहीं खाते थे, मतलब कुक करने का कोई नहीं थी, क्लोथ क्या पहनते थे, वही खाल पहन ली, स्किन पहन ली, ये सारी चीज़ उनके क्लोथ में आते थे। अभी तक कोई फिल्म, मतलब अभी आग का इन्हें पता ही नहीं था, आग क्या होती है, उसके फेमिलियर नहीं थे, मतलब कि आग भी कोई चीज़ होती है। रॉ मीट खाते थे, मतलब जैसे वो जानवर खाते हैं रॉ मीट, ऐसे ही खाते थे, अभी जानवर ही थे हम भी,
ठीक है, बिल्कुल, मतलब जानवर तो अभी भी हैं पर अब थोड़ा दिमाग आ गया, इसलिए तो बस वो अंतर है। तो फिर बाद में चलता गया, टाइम निकला 2 लाख BC से 1 लाख BC का टाइम निकलता गया, फिर डिस्कवरी हुई फायर की। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम तो नहीं पता कि डिस्कवरी क्या हुई, पर यह बोला जाता है पैलियोलिथिक एज में हुई, कहीं ना कहीं 2 लाख से 1 लाख BC के बीच में कहीं ना कहीं आग की उत्पत्ति हुई, आग का पता लगा। डिस्कवरी ऑफ फायर जो हुई एक इनोवेटिव चीज़ थी। अभी फायर भी कैसे हुई, जैसे स्टोन को रगड़ते थे ना, जैसे रगड़ के एक स्टोन से दूसरा स्टोन रगड़ के बनाते थे, उससे क्या चिंगारी निकलती थी, चिंगारी निकलने से कोई घास फूस होगी सूखी उसमें आग लग गई, आग ने घबराए, उसके बाद ये पता लगा इससे तो ठंड है गर्मी भी मिल रही है शरीर को, तो फ़ायदा मिला ही ना। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ करी, फिर उसमें क्या हुआ, उसके पास में खाना रख के, ये ठंड हो रही है पास में ये खाना रख के खाते थे, अब वो खाना आग के उबल गया और अच्छा टेस्ट आया, तो खाना उबालना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे 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 चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। एक्सीडेंटली जो मैंने आपको बताया वैसे ही हुआ था, स्ट्राइक टुगेदर टू पीस ऑफ, मतलब क्वार्टरजाइट स्टोन को कर रहे थे। अब ये कौन बताएगा क्वार्टरजाइट स्टोन रगड़ रहे थे, कितनी बार रगड़ा, इतनी बार, ये चीज़ नहीं होती। वो कोई ड्राई लीफ से टच कर जाती है, फ्लेम बन जाती है, हेल्प मिलती है पोजिशन, कुक फ्लैश। अब कुक करना कैसे स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया आग के पास में बैठा हूँ, मैंने कोई पानी रखा हुआ, पानी गर्म हो जाता है ना आग के पास रखा हुआ, हमें गर्मी मिल रही है, फिर मैंने वो खा के देखा तो अच्छा लगा, तो ऐसे मीट आग के पास रखा था और वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद जब उन्होंने खाया टेस्ट अच्छा है, तो फिर आग के कुक फूड इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इनिशियली स्टेज में उन्हें फिर मतलब आग के कुक फूड नहीं खाते थे, रॉ मीट खाते थे। उसके बाद जब उन्हें उत्पत्ति किसकी फायर की हो चुकी थी, कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पैलियोलिथिक एज में ही हो चुकी थी। डिस्कवर हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, मैन, मतलब ये सारी चीज़ें मेजर डिस्कवरी में से काउंट किया जाता है, तो बिल्कुल मेजर डिस्कवरी थी। बहुत बड़ा हथियार भी इनको मिला था, जानवर जो होते थे जंगली जानवर जो होते तो आपके पास नहीं आते, तो एक सेफ्टीनेस में भी कहीं ना कहीं यूज़ करते थे। अब बॉडी कैसे कवर करते थे, भाई गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, वही एक ही चीज़ है, जो खा लो उसे ही पहन लो, तो वही सब चीज़ें पत्तियाँ ये सब उनसे चीज़ों को कवर किया जाता था। अब कोई ऐसी प्लेस नहीं है ड्रिलिंग के, कुछ नहीं पता, केव में जो पुरानी केव है उसके अंदर रहते थे, ऐसा कोई वो ही नहीं है कि कहाँ क्या था, नो सर्टेन ड्रिलिंग प्लेस, ऐसी कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा भीमबीट का जो केव है उसमें कहीं ना कहीं, भी मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं पैलियोलिथिक के कुछ चीज़ें मिलती हैं, कि रॉक पेंटिंग वहाँ पे मिलती हैं। वो मतलब पत्थर, बचपन में क्या वो खेलते थे ना, वो सड़क पे बना के उस पर कूदते थे ऊपर से, क्या बोलते, लड़कियाँ खेलती थी, तो वैसे वो पेंटिंग पत्थर लेके बना लेते सड़क पे, तो ऐसे ही पेंटिंग हुआ करती थी, उन्हें मिला तो सड़क बनाने लगते थे कुछ भी। क्या पता बता रहे हो ऐसा जानवर देखा हमने, ऐसा था वो, मैंने बना के बता रहे हो कि मैंने नया जानवर देखा आज, 5 आदमी बैठे, पता कैसा जानवर था, फिर वो बनाया उसकी पेंटिंग, देखो ऐसा था, ऐसे उसके सींग थे, तुम्हें दिखे तो बहुत खतरनाक जानवर था, तो एक्सप्लेन करते हो दूसरे को, ये भी हो सकता है। ओनली फूड कंज्यूमर, मतलब कि प्रिमिटिव एज में क्या था, सिविलाइजेशन कैसी थी, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, ये तो मतलब कुछ पता ही नहीं था, मतलब नॉर्मल, मतलब पोल्ट्री वोट्री के बारे में कुछ नहीं पता था इनको, बस एजिंग मैन और क्या थे आप, फूडर गैदर थे, मतलब खा लिया बदोस्त, मतलब यहाँ खा लिया आगे चल दिए, यहाँ नहीं आगे चल दिए, तो बस जहाँ मिल जाता था फूड वहीं रह जाते थे, जहाँ ठिकाना नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल एक तरह से ऐसी लाइफ जी रहे थे, ठीक है ना। द मैन एज वर मेनली, मतलब ये अगर ऊपर मैं आपको बताता, मतलब ये बस याद हो, निग्रिटो रेस करके मतलब एक प्रजाति होती है, इसे कहते हैं निग्रो, काले काले लंबे लंबे निग्रो, तो आपसे याद हो निग्रिटो करके एक रेस होती थी, पर रेस क्या मतलब काला रंग, तकड़े लंबे चौड़े ऐसे हुआ करते थे। अब डिस्पोज कैसे करते थे, जैसे आदमी मर जाता उसे डिस्पोज कैसे करते, जहाँ मर गया वहीं छोड़ देते थे, लेफ्ट पर्सन ओपन इस पर विदाउट, मतलब कुछ भी रिचुअल करे हुए और आगे चलते। क्या पता भैया जानवर अगर कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता है रोड पे, तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उठा के साइड में रख देते हैं बस, उसे अगर कुछ और अच्छा करना है तो उसे मतलब विरल कर देते, दफना दिया जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं था, जो मर जाता साइड में रख देते थे ओपन एरिया में, वो बाद में आगे निकल जाते थे। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जिस वजह से पता लगा कि इस पर टूल्स कैसे थे पैलियोलिथिक एज में, देखो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, मिडिल आएगी, तो मतलब पहले बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते थे, फिर उन्हें छोटे छोटे करने लगे, बहुत भारी है, फिर उनके बाद थोड़े मतलब फ्लक्स टाइप बना दिए उन्होंने, फिर और आगे स्टेज आएगी उन्होंने फिर और उसे ब्लेड टाइप बना दिए। तो इन्होंने भी जो पैलियोलिथिक एज को, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रहा चॉपिंग, हैंड एक्स ये सब यूज़ करते थे, थोड़े फ्लक्स टाइप के भी यूज़ करते थे, फिर ब्लेड टाइप के भी यूज़ करते थे, पर बड़े बड़े होते थे, अभी छोटे नहीं हुए। जो मेसोलिथिक एज आएगी ना, तो माइक्रो टूल्स यूज़ करेंगे, नाम ही इस पे पड़ा है उसका, मेसोलिथिक एज पे, ठीक है। तो ये सारे टूल हम यूज़ करते थे, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स मतलब वो कुल्हाड़ी, फिर आपके क्लीवर, ये कुछ होगा यार, फ्लक्स करके फ्लेक करके मतलब नोकीले पत्थर टाइप जो बन जाते हैं, उन सब चीज़ का हम यूज़ करते थे।
अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसकी सब पता लगे। अब लोअर अर्ली मतलब कैसी थी उसमें, तो किस चीज़ के मतलब टाइप्स ऑफ स्टोन थे, बस आपको क्वार्टरजाइट एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे आपका तांबा वांबा ये होता है, मतलब जैसे क्वार्टरजाइट एक मटेरियल, इसी चीज़ के हम स्टोन यूज़ करते थे, ठीक है। बनाते कैसे थे, मतलब वही टूल्स और वेपन में यूज़ करते थे इस स्टोन का, और इसमें कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। ऑन द बेस ऑफ मतलब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, पहले थे कि इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ, वो किस लिए किया हुआ है कि स्टोन किस टाइप के यूज़ करते हैं उसमें दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सोहन वैली है, सोहन कल्चर के कैसे स्टोन थे वहाँ पे, कैसे थे चॉपर था, बड़े बड़े पेबल्स थे मतलब कल्चर वाले यूज़ करते थे, और जो आपका मद्रासियन कल्चर था ठीक है ना, उसमें कैसे उसमें कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे, मतलब कुल्हाड़ी का मतलब जहाँ इसमें मिलता था वहाँ पे, सोहन रिवर वैली में मिले, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले, पाकिस्तान में है ये, तो उसको सोहन कल्चर बोल दिया हमने, चॉपिंग मिला, पेबल्स बड़े बड़े स्टोन मिले। फिर हम जब साउथ में जाएंगे वहाँ पे हमें एक्स मिली, कुल्हाड़ी मिली, तो मद्रासियन बोल देंगे, क्योंकि मद्रास साइड में मिला था तो मद्रासियन कल्चर बोल देंगे। वही पेबल देखो, अब इनकी भी इनकी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, पेबल्स क्या होते हैं, पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, ये तो यार आपको पता ही है, स्मूथ होते हैं। चॉपर क्या होता है, चॉपिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सिंगल एज का स्टोन होता है, चॉपिंग ये सब, तो ये सब आपको पता ही है, तो बस आपको ये याद रखना है। हैंडेक्स क्या होती है, भैया कुल्हाड़ी है, मुझको पता ही है, ये सारी चीज़ों का उसमें यूज़ किया जाता था। कुल्हाड़ी मिली आपको, क्लिप्स मिले, ये क्या होता है, मतलब कि बार्क, मतलब ऑफ ट्री जो उतारते हैं या स्किन उतारते हैं एनिमल की, बहुत पतला सा होता होगा फिर तो, स्क्रेपर ये भी इस चीज़ के लिए यूज़ होता था स्किन उतारने के लिए। तो मतलब ये मानो जो मद्रास में थे तो वहाँ पे थोड़े ऐसे टूल यूज़ करते, शार्प वाले ज़्यादा ब्लेड वाले टूल यूज़ करते थे, तो ये हो जाता है पैलियोलिथिक एज में। अभी कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि पैलियोलिथिक एज साइट कहाँ पे क्या मिली। देखो एक तो मैंने बता दिया आपको पंजाब सोहन कल्चर जहाँ पे बोला जाता है, अब इसमें भी कहाँ कहाँ मिली, कौन से पिंड में थी, कहाँ पे थी रिवर, ये आपको याद नहीं रहता। कश्मीर में भी कहीं ना कहीं मिली, जो आपकी लिडार रिवर है जो पहलगाम के अंदर है उसके अंदर मिली, हिमाचल प्रदेश में मिली कुछ जगह है वहाँ की, वैन गंगा रिवर वैली उधर मिली, बस आपको याद ना हिमाचल में मिली। राजस्थान में मिलेगी, चंबल रिवर के आसपास मिलेगी आपकी, इन सब रिवर के आसपास मिलेगी, गुजरात में भी थी कहीं ना कहीं, मध्य प्रदेश में। देखो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा याद रखने के लिए, क्यों ही मना कर दूंगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है जैसे होशनाबाद, मैंने वो आपको बोला था पीछे, ठीक है ना, होशनाबाद में वहाँ पे अभी मध्य प्रदेश भीमबेटका केव थी वहाँ पे मिला, फिर जो हमारे इंडिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने फाइंड की थी वो खोपड़ी, मैंने औरत की खोपड़ी वो भी कहाँ बताई थी मैंने, वो नर्मदा रिवर के आसपास, तो ये सारी चीज़ पहले बता चुका हूँ कहाँ पे मिली, वो आपको याद रखना है। ऐसे बोलेगा कि ओनली राजस्थान नहीं और भी जगह, बस ये यार मध्य उत्तर प्रदेश में आपकी बेलन रिवर के आसपास, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर उधर के साइड मिली, बिहार में भी मिली जो मुंगेर उंगेर वाला रीजन है, झारखंड में भी थे, वेस्ट बंगाल में भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिली, और महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिली। साउथ में जाएंगे, साउथ का जिक्र मैं आपको कर चुका हूँ, मद्रासियन कल्चर जहाँ पे बोला ये एक्स वैक्स मिले थे जहाँ पे, फिर कर्नाटक में, तब कहीं ना कहीं एक पैन इंडिया प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं थी। अब इसमें आपको क्या देखना है कि कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में कहीं नाम नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं था। फिर जो आपका ईस्टर्न इंडिया जैसे आपका वेस्ट बंगाल में मिला, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडिया में थी, पर आपका नॉर्थ ईस्ट का रीज़न नहीं है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब मिडिल कैसी एज थी, मिडिल पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट कैसे थे, भैया थोड़े और पतले, जैसे मोटा फिर और पतला, फिर और शार्प, फिर और शार्प, फिर लास्ट में इसलिए बिल्कुल ही शार्प चलते थे, फिर नियोलिथिक एज में उनको पॉलिश करने लगे, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब फ्लेक कल्चर, बिल्कुल पतले स्टोन यूज़ करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, अभी तक किसे क्वार्टरजाइट सही बनाते थे। स्टोन क्या आता है आपके, चिस्ट हो गया, जिस्पर हो गया, फ्लिंट हो गया, मतलब मार दो किसी को, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। अब ये कहाँ पे मिला, ये भी सब जगह देखो, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कुछ भी याद नहीं रहना, सब जगह ये कहीं ना कहीं सारी स्टेट के नाम इसमें आ गए। एक्सेप्शनल है यार, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बोलने लगूँ, तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था किसी टाइम पे, ठीक है, ऐसे में बोलने लगूँ, फिर आप बोलोगे सर इसमें केरला का नाम नहीं, अब यार एक दो स्टेट तो होंगी केरला नहीं है, ठीक है, क्या पता केरला, क्या पता केरला उस टाइम मध्य उसमें कहीं ना कहीं तमिलनाडु के आसपास हो कहीं ना कहीं, तो यार ये एक्सेप्शनल चीज़ है। अब लेटर कौन सी, बिल्कुल लास्ट वाली एज में क्या, वही बिल्कुल ब्लेड वाले स्टोन यूज़ करने थे, फ्लक्स ब्लेड, ब्लेड भी बनाने स्टार्ट कर दिए। देखो ये कोई बनाते नहीं थे, अभी स्टोन का आप यूज़ कर दो, बड़ा पत्थर लो, रोज़ फेंक के मारोगे किसी को, रोज़ फेंक के मारोगे तो शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटेगा, शार्प होगा, तो यार ये तो और अच्छा काम कर रहा है, इसलिए स्टोन पतले होते चले गए, वो घिसने भी लगे एक तरह से पतले भी होते चले गए, तो इनको पता लगता रहा और चीज़ों का इनके दिमाग में आता रहा, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है,
तो ये बढ़ता चला गया। फिर अपन लेटर पे लो थे कि जो आपको ये पढ़ सकते हो, आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बेलन रिवर में, ठीक है, ये आपको बस मेजर तहसील, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये आपको जो ज़्यादा डीप में जाना है आप जा सकते हो, झारखंड में, सिंहभूम, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, देखो इसमें तमिलनाडु कहीं ना कहीं नहीं है। देखो जैसे कम आ रहा है तो कम जगह मिलती जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तमिलनाडु नहीं है, क्योंकि प्रीशियस स्टोन थे सब जगह तो मिलेंगे नहीं, लास्ट स्टेज में मिलेंगे तो जगह भी कम हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो पैलोलिथिक एज में क्या जाना, फायर की डिस्कवरी, एक तो स्टोन कैसे यूज़ करते थे और कितने भाग में वो डिवाइड था, वो सोहन कल्चर और ये भी आपको याद रखना है, तीन चार चीज़ें, भीमबेटका केव कहीं ना कहीं उसमें मिली थी, भीमबेटका केव में, और जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे और जो आपके रॉबर्ट जो अंग्रेजों के साथ जियोलॉजिकल जो थे उन्होंने क्या क्या चीज़ डिस्कवर की, ये सारी चीज़ हमको पता लग गई। अब आगे चलते हैं मेसोलिथिक एज में, इसको मेसोलिथिक भी एज बोला जाता है और मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि बीच में है, इसके बाद न्यूलिथिक आएगी, मीसो मतलब मिडिल वाली एज, ठीक है ना, तो मिडिल मेसोलिथिक एज इसको बोला जाता है। इमीडिएटली आफ्टर पैलियोलिथिक के बाद ये स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना, और न्यूलिथिक के बीच में ही कहीं ना कहीं मेसोलिथिक एज आती है। अब इसका डिस्कवरी किसको जाती है, इसके लिए जॉन करके थे, जॉन इवान करके थे, और इनको 1866 में इन्होंने कहीं ना कहीं ये साइट खोज की थी, कहाँ पे, आपके शक्कार और रोहिरी कोई जगह है वहाँ पे, इन्होंने कोई सिंध में, मतलब वही पाकिस्तान वाले रीजन में कहीं ना कहीं इन्होंने ये जगह फाइंड की थी। इसमें क्या था कि टेमिंग ऑफ एनिमल, इसमें क्या था कि जो लाइफ थी मेसोलिथिक मैन क्या थे, रिफॉर्म हो गए थोड़े, रिफॉर्म तो होंगे, देखो मैंने बोला ना डिस्कवरी होती चली जाएगी, इंसान आगे बढ़ता चला जाएगा तो डिस्कवरी बढ़ती चलेगी। तो मेसोलिथिक में क्या होने लगे कि दे रेस्पेक्ट द लाइफ ऑफ द, मतलब कि जो थे पैलियोलिथिक में उससे थोड़े मॉडर्न होने स्टार्ट हो गए। अभी भी लार्जली डिपेंड किस चीज़ पे, हंटिंग पे, देखो अभी तो हंटिंग ही हमारा है, बट नाउ दे आर यूज्ड टू बीइंग टेमिंग, मतलब डोमेस्टिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया एनिमल का, क्या गोट डॉग हो गया आपका, कुत्ता, ये वो, शिप गोट हो गई, कॉक्स, काउक्स हो गए, बफेल हो गई, वाइल्ड हॉर्स हो गए। अब इनको पता कैसे लगा ये यार, ये हम इन्हें टेम कर सकते हैं, जैसे कुत्ता ये मांस खाते हैं तो कुत्ता आसपास आता है, कभी बच जाता है उसे भी खिला देते हैं, तो इनके पास रहने लगा, ये बुलाने लगे, पास आने लगा, तो इन्हें पता लगने लगा चीज़ों के बारे में, हाँ ये तो बहुत अच्छा जानवर है, अब कुत्ते में थोड़ी होता है, उसे तो जो खिलाएगा उसका वफादार रहेगा, तो तभी कहते हैं कुत्ते से वफादार इंसान है, सबसे पहले उसकी खोज उस पर ही हुई थी कि खाया, उसे खुशबू आ गई, वो आया, उन्होंने खिलाया, साथ रहने लगा, साथ रहने लगा, इनकी हेल्प करने लगा, इन पे कोई हमला करता है इनको बचाता भौंक के, तो यार यार ये तो बहुत बढ़िया एनिमल है, तो ये हुई, फिर ये सोचा कि और भी ऐसे एनिमल होंगे, तो शीप, गोट, काउ, बफेलो, वाइल्ड हॉर्स एक्सेट्रा, ये सारे कुछ एविडेंस मिले हैं। अब पता कैसे लगा टेमिंग ऑफ एनिमल का, क्योंकि इनके जो आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, अब बुघोरी जो राजस्थान के अंदर है, बैघोरे, तो वहाँ पे कुछ इनके एविडेंस मिले हैं, इन चीज़ के अर्ली एविडेंस मिले हैं, आगे बताऊँगा कि जैसे इंसान मर गया, मेरा कुत्ता है मेरे साथ रहता है, जैसे मैं मरा फिर कुत्ता ही मरा, दोनों के जो बिरल है, मतलब डेथ होने के बाद उन दोनों को प्रोसेस किया था, उसी के साथ उनके रखे मिले ग्रेवी, मतलब दोनों के एक साथ, तो कुछ पीपल थे वर अवेयर अबाउट द बिरल प्रोसेस, ठीक है ना, डेड बॉडी कन्फर्म की गई, द ग्रेव जो हैव बी फाउंड इन, मतलब कि आपकी श्रीनहारे राय और मंदारा, मतलब प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये मत याद रखो, ठीक है, प्रतापगढ़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रिंट में या मेरे स्कैन करने थोड़ी दिक्कत थी, महादाबा है या महादाहा करके कुछ जगह है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, फूड स्टफ था, टूल्स थे, ठीक है, मतलब जो इंसान मरता था उसके ही जो औजार थे उसी के साथ रखे जाते थे, उसी के साथ दफनाए जाते थे उसके औजार, ठीक है ना, उसे ऐसा बिलीफ सोचते थे लोग कि क्यों रखते थे कि कहीं पुनर्जन्म लेगा, इसका नेक्स्ट जन्म होगा, कम से कम इसे ऐसी दिक्कत ना हो कि ये जो सामान साथ में रख रहे हैं इसके साथ में ही चला जाएगा। कुछ ऐसी साइट भी थी वहाँ पे स्केलेटन ऑफ डॉग, मैंने बताया ना पता कैसे लगा कि जो स्केलेटन, जो कुत्ता बहुत किसी का खास था, स्केलेटन ऑफ डॉग, अब ये नहीं पता उस कुत्ते जिंदा उसके साथ रख दिया जाता था, सती प्रथा होती थी, जलना पड़ता था, या फिर वो जब मर जाता था बाद में वहीं पर जहाँ पर उसको रखा था तो कुत्ते को भी उसके साथ रख देते थे, तो ह्यूमन स्केलेटन के साथ फाउंड हुआ है बहुत सारी जगह, तो वहाँ से पता लगा कि हाँ भाई डॉग इनका टेमिंग करने लगे थे, डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, बहुत सारी साइट मिली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब वो मिली है, मतलब दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपको क्या रखना है, पैलियोलिथिक एज में कैसा था, खुले में डाल दिया, मेसोलिथिक में क्या आ गया कि बिरल वाली चीज़ें स्टार्ट, दफनाने वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। ओनली ह्यूमन स्केल नॉट फाउंड, स्केलेटन कंप्लीट ह्यूमन बॉडी एज अ फाउंड इन मेसोलिथिक, मतलब ये कुछ बोल रहे हैं, माइंड में रखना है पैलियोलिथिक एज में क्या था कि ठीक है ऐसी कोई साइट जो है मतलब
ह्यूमन स्कल फाउंड होते थे, अब यहाँ पे क्या मेसोलिथिक बिरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मेसोलिथिक में कैसे, अब मेसोलिथिक में कैसे, मेसो से बोलो माइक्रो, याद रखो माइक्रो टूल। तो इसमें क्या आ गया था मेसोलिथिक में, माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए थे, मतलब छोटे छोटे टूल्स आ गए थे। और भी मैंने बताया ना, बड़ा पत्थर लेके मारते थे, वो घिसता रहता था, कहीं पर शार्प पीस निकल जाती थी, इनके दिमाग में और कुछ आता था, कुछ ऐसा बना लिया जाए, या फिर जब बनाते तो ज़्यादा टूट जाता था तो और शार्प लगता था, हल्का भी लगता था। तो इन्होंने कुछ ऐसे ट्राइंगल एरो आपके ये सारी चीज़ों ने स्टार्ट कर दिया, तो छोटे छोटे टूल इन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें क्या था आपका जस्पर चीज़, मतलब ये और भी छोटे टूल इन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। रॉ मटेरियल उसमें क्या, क्वार्टरजाइट तो था ही, उसके बाद इन्होंने और भी चीज़ें यूज़ कर दी। ये वाले रॉ मटेरियल देखो, ये जस्पर हो गया, ठीक है ना, आपके चिरस्ट करके हो गया, कुछ मेटल थे इन्होंने इनका भी यूज़ करना स्टार्ट किया। अब देखो हर जगह का क्वार्टरजाइट इनको मिल नहीं रहा था, कमी पड़ रही थी, तो ये कुछ और मिल जाता था, इससे बना के देख लो, तो उससे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने ऐसे, ठीक है ना, कुछ आर्कियोसाइट में क्या मिला है, जो बोन होते थे, हॉर्न्स होते थे, वो भी मिले हैं। यानी कि जैसे बोन हो गए, किसकी हड्डी हो गई, जैसे आपकी पैर की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है आपकी, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा इसका, फीमर करके कुछ हड्डी बोलते हैं, फीमर ऐसी कुछ बोलते हैं यार इसको। तो ये बड़ी हड्डी थी, बड़ी हड्डी तो उसका आपको नोकीला शार्प कर देते थे, वो भी काम में लेने लगे। तो ये आपको याद है बोन और हॉर्न, हॉर्न किसके, हाथी के हों या फिर वन हॉर्न डायनासोर, उसके हॉर्न भी कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब वही सारी चीज़ें आएंगी राजस्थान में, कहीं मिली है बैंक ऑफ कोठारी रिवर, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पे इन्होंने मिले हैं ह्यूमन स्केलेटन, मिले हैं 3 copper arrow मिले हैं, तो टेमिंग एनिमल के वहाँ पे साइन मिले हैं इनको। तो ये आपके रखते हैं, जो बारमेर डिस्ट्रिक्ट में इनको मिले हैं, तिलवाड़ा जो आपकी जगह है वहाँ पे मिले हैं इनको, तो ये सारी चीज़ें मिले हैं। और भी जगह जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिले हैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आसपास इनको चीज़ें मिली हैं, गुजरात में मिले हैं इनको, बुरल मिले हैं वहाँ पे, 14 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, बोन मिले हैं। देखो ये चीज़ मिल रही है, बस आपको ये एक मेन फीचर रखना है, गुजरात में कहीं ना कहीं चीज़ें मिली हैं, अहमदाबाद में मिले हैं, ठीक है ना। इसके मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की है ना, आडमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो हर चीज़ तीनों एज से मिले हैं। अब यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन है, डॉग का, शिप का, गोट का, काऊ का, बफेलो का, ऑक्स का, पिक का, सबके यहाँ पे इनको देखे गए हैं। इवन इनको रॉक शेल्टर भी मिले हैं कहीं ना कहीं, सिचुएटेड राइजन डिस्ट्रिक्ट और भीमबाट का रॉक केव। तो रॉक केव वहाँ पहले से ही रह रहे थे वहाँ पे पता नहीं क्यों बस गए थे, तीनों स्टेज भीमबेटके का नाम आएगा, तो वहाँ पे रहते, ह्यूमन बिरल भी वहीं पे था। फिर सिंध वाले इलाके मिले हैं आपके, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। तो इधर आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर के प्रतापगढ़, मैंने आपको बताया था प्रतापगढ़, आपको वहाँ पे उनको मिले हैं माइक्रोलिथिक हॉर्न्स मिले हैं, ब्यूरल्स मिले हैं, 6 fire pits मिले हैं, ठीक है ना। आपको माधा, ये माधा जगह थी जो प्रतापगढ़ में थी आपकी, दमदमा में माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, इलाहाबाद में आसपास कहीं ना कहीं चीज़ें इनको मिली हैं। तो ये सारी चीज़ याद है, अब तहसील आपका कौन याद रखेगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये सब, ठीक है। यार बिहार में मिले हैं आपको इनको, राजगीर में, उसके बाद भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं इनको, ठीक है। यहाँ आप झारखंड में मिले हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, ठीक, वेस्ट बंगाल में मिले हैं। ये सब चीज़ आपको खुद याद रखनी है, पढ़ना है तो आप झलक ले सकते हो। वैसे मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। माइक्रोलिथिक में एक माइक्रो टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, बोन्स और होन्स का भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, ठीक है, और छोटे छोटे टूल्स होते थे, और क्वार्टरजाइट के अलावा और भी इन्होंने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। क्वार्टरजाइट तो यूज़ करते ही थे। अब इन्होंने टेमिंग ऑफ एनिमल, मेन चीज़ इसमें क्या है कि टेमिंग ऑफ एनिमल, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉट ओनली डॉग बट और अदर एनिमल ऑल्सो, तो वो भी इन्होंने कहीं मिला। वो कैसे, अब एक दूसरी ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या है, ब्यूरल मतलब कि दफनाने का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, कि उसको दफनाते थे साथ में, वो चीज़ जो नियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक एज में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है। अब आती है नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, ये 7000 से 1000 BC तक चलती है। इसके बाद फिर ये हड़प्पन वड़प्पन ये सिविलाइजेशन आ जाएंगी, वैदिक आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशन टू ग्रीक वर्ड्स इसको बनाया गया, न्यू मतलब न्यू बिल्कुल एकदम न्यू वाली, ठीक है ना, और लिथिक मतलब स्टोन। ये भी नाम इनको कि कैसे देते हैं, कोई लिखा थोड़ी रहता था, सोचते कुछ नई चीज़ है, मॉडर्न वाली चीज़ें मिल रही है तो न्यू दे दो। माइक्रो मतलब मीसोलिथिक क्यों दिया, बीच में आ रही है दो एज के तो मीसोलिथिक बोल दिया, पैलियोलिथिक पहली वाली एज, सबसे पहली एज तो पैलियोलिथिक बोल दिया। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है, डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, ये भी आर्कियोलॉजी मटेरियल गोज टू डॉक्टर परिमरोज करके थे 1842 में, कर्नाटक के आसपास इन्होंने स्टोन थे, नाइफ्स थे, एरो थे, ये मिले थे इनको, ठीक है। ये नीलोथिक एज को इनको बोला जाता है, कर्नाटक में मिले थे और डॉक्टर आपका परिमरोज करके थे, ये भी अंग्रेज थे, और 1842 में इनको डिस्कवरी इनको की थी। फिर उनके बाद और भी आए, 1860 में HP ली आपकी मैसूरिस करके
आई है, इन्होंने डिस्कवरी की कुछ न्यूलिथिक एज की अलाहाबाद के आसपास, ठीक है, आपके आपके गॉर्डन करके आए, वी गॉर्डन करके आए, इनका नाम तो है, मैन मेकर हिमसेल्फ, न्यूलिथिक एज में मतलब ब्रॉड रिवॉल्यूशन लेके आए थे एक तरह से, बहुत सारे मेटेरियल इन्होंने इतना फाइंड कर दिया था कि रिवॉल्यूशन आ गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको मिल गई थी, ग्रेट चेंज मटीरियल ऑफ लाइफ में इन्होंने बोला है कि मैन मेकर हिमसेल्फ, मैन मेकर हिमसेल्फ क्या खुद ही वो इंसान को बनाया जा रहा था, तो इन्हें एक बुक भी लिखी है मैन मेकर हिमसेल्फ, ठीक, किसने लिखी है, गॉर्डन ने, गॉर्डन ने लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखते हैं एच पी वी गॉर्डन प्रिमरोज, इन तक नाम याद रख सकते हो, रख लो, आपको रखने हैं तो ये रख सकते हो। न्यूलिथिक में ह्यूमन लाइफ कैसी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूलिथिक एज, क्यों, क्योंकि इसमें न्यू, क्योंकि न्यू मतलब मॉडर्न बन रहा था इंसान, तो मॉडर्न बन रहा था, इसलिए बुक लिखी गई थी मैन मेड हिमसेल्फ करके, किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपके गॉर्डन ने, और कब लिखी थी, 1852-42, बस वही 92 से 59 तो आज़ाद तक रहे हैं, तो ये इन्होंने बुक लिखी थी। अब थ्री करेक्टर क्या थी ह्यूमन लाइफ के, न्यूलिथिक एज में तो क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट होता है, यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब अब तो पालने लगा जानवर को, और फिक्स एबॉटिक मतलब एक तरह से एक जगह फिक्स हो गया इंसान, फिक्स क्यों हो गया फिक्स, पहले क्या था कि यहाँ पे एनिमल नहीं दिख रहे, यहाँ से आगे चले जाते थे 100 किलोमीटर दूर, यहाँ पे एनिमल दिख रहे हैं, चलो अभी यहाँ पे मार लो, यहाँ पे ख़त्म नहीं दिखते थे, फिर दूसरी एनिमल चले जाते, यहाँ पे चले जाते थे, तो हंटिंग एंड गैदरिंग का सर्किल घूमता रहता था। अब जानवर तुम्हारे पास चल के थोड़ी आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब आप हो गए हो एग्रीकल्चर, इकनॉमी आपकी बन गई है, नहीं है ही, आपने अनाज उगा लिया, कोई एनिमल दिखा ठीक है, नहीं दिखा तो अनाज खा लिया, ढूंढने गए एनिमल लेके यहाँ पे आ गए, यहीं पे आपने घर बना दिया, यानी कि फिक्स हो गए आप एक जगह, आप यहीं पे आपको खाना मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ कहाँ देखी गई इंडिया में, एक मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बोलन डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान प्रोविंसेस में पड़ती है पाकिस्तान, अर्लीस्ट नोन विलेज साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन के आसपास अगर ऐसी जगह कहीं मिली तो आपके बलूचिस्तान में आपकी मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी गई थी। अब एग्रीकल्चर तो थे भैया, एग्रीकल्चर में क्या उगाते थे, सोना चांदी हीरे मोती, एग्रीकल्चर में कुछ तो उगाते होंगे, तो वो आप देखेंगे एग्रीकल्चर में हम क्या उगाते थे। डिस्कवरी ऑफ एज ऑफ दिस एज मतलब पहली क्या थी, पैलियोलिथिक में क्या डिस्कवर हुआ, कि मैंने बताया आपको क्या डिस्कवर हुआ पैलियोलिथिक में, उन्होंने स्टार्ट किया था फायर की डिस्कवरी हुई थी, दूसरी में क्या ब्यूरल सिस्टम कहीं ना कहीं मिल गया, डोमेस्टिफिकेशन मिल गया मेसोलिथिक में हमें कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या डिस्कवरी हो रही है, इसमें डिस्कवरी हो रही है कि हम एग्रीकल्चर की समझ आ गई थी, यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यहीं से बहुत सारा कल्चर हमारा चेंज होगा, फूड प्रोड्यूसर हो गए थे, फूड कंज्यूमर हो गए थे, पहले क्या थे गैदर फूड में चलते थे, तो क्रॉप सिविल कल्टीवेशन हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था। अब भैया इसमें बोते भी क्या थे, हमें कहाँ मिला, जो आपकी मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं इसके एविडेंस हमको मिले हैं, ओल्डेस्ट एविडेंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में है। अब उगाते क्या थे, देखो इसमें उगाते थे वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, तो भैया तो एक तो सब कुछ हो गया, अब रोटी बन गई वीट से, ठीक है पैडी हो गई आपके पास, वेजिटेबल उगा रही, दाल सब्जी का काम तो हो गया। ओल्डेस्ट एविडेंस जो मिले हैं वीट और बाल्डे के, कहाँ पे मिले हैं, वही जहाँ पे ओल्डेस्ट मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आसपास हमको वीट और बाल्डे के एविडेंस मिले हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस पैडी के कहाँ पे मिले हैं, देखो पैडी है तो पैडी के लिए पानी तो चाहिए, अब पैडी कल्टिवेशन कहाँ फाउंड कर सकते हैं, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद कैसी डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद में आपको क्या गंगा है आसपास, बहुत सारे घाट है, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी कोलादी हवा, कौन सी है, कोलादी हवा करके इलाहाबाद के आसपास, वहाँ पे हम इसके एविडेंस मिले हैं पैडी के। वीट और बार्ले कहाँ मिले हैं, तो वीट को क्या चाहिए, पानी कम चाहिए, ठीक है बार्ले को भी पानी कम चाहिए, अभी मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला एरिया जो है इतना पानी वानी नहीं है, थोड़ा सूखा एरिया, तो वहाँ पे वीट और बार्ले के एविडेंस हमको कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब ये जो है इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट आपकी प्रयागराज बोल दो, इलाहाबाद बोल दो, गंगा है, डेल्टा चा फॉर्मेशन होता है, दूर दूर तक फैलती है, तो वहाँ पे क्या मिलता है, पैडी की कल्टीवेशन आपको कोल्दी हवा डिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे इलाहाबाद के आसपास है। अब एनिमल हस्बेंड्री तो हम करने लगे, पहले क्या था, हम डोमेस्टिफिकेशन किया था, जानवर को बांधना नहीं स्टार्ट किया था, अभी हम मतलब साथ में रखते थे, चलते फिरते थे, मतलब खा भी लेते थे, तो हमने वैसे स्टार्ट किया था। तो अब इसमें मेसोलिथिक एज में तो हमने कर दिया था स्टार्ट, ठीक है, बट इन दिस पीरियड क्या हुआ, मैन और रिलेशन विद एनिमल बहुत अच्छी हो गई यार, प्यार हो जाता है क्या ना बेजुबान से, तो बहुत अच्छी, क्या था जैसे डोमेस्टिफिकेशन में क्या किया हमने, डॉग, शिप, गोट, हॉर्सेस को किया, ठीक है। न्यूलिथिक एज में हमने क्या किया कि हंटिंग एनिमल, फिश कैचिंग स्टार्ट की, शीप गोट टेमिंग भी हमने स्टार्ट कर दी। ड्यू टू एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो लाइफ स्टाइल था मैन बिकम चेंज, अब तो बालों में हाथ मार के जेल लगा के चलते थे, ऐसा क्यों, एक मिनट,
तो ऐसा क्यों भाई, जाना नहीं पड़ता था? पागलों की तरह भाग रहे हैं, 100 किलोमीटर चल रहे हैं, नहीं पकड़ा गया कोई एनिमल, फिर 100 किलोमीटर चल रहे हैं, अब तो क्या है दाल भाजी खा के भी रह लेंगे, तो अपने बिल्कुल लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो गया था। दे आर नोमैडिक, जो नोमैडिक वाला था केम इन टू एंड नाउ, जो नोमैडिक कल्चर था उनका वो एंड हो गया। दे यूज टू लाइफ फार्मिंग लाइफ स्टार्ट, फार्मर वाली लाइफ स्टार्ट यहाँ से हो चुकी थी। तो आपको क्या याद रखना, न्यू एज थी तो न्यू ही मॉडर्न बने थे हम। तभी जो आपके गोडाउन थे उन्होंने क्या लिखा है कि मैन मेक हिमसेल्फ, अपनी बुक में क्या लिखा, मैन मेक हिमसेल्फ, तो ये भी एक मोटिवेशन भी हो सकता है। क्लोथ हो गया इस टाइम पे, कॉटन का हो गया, हम सीख गए अबाउट क्लोथ कैसे बनाया जाता है, तो कॉटन आ गया तो वो भी स्टार्ट किया। तो मेन चीज़ आपको कॉटन नहीं था ऐसे लिख देगा न्यूलिथिक, नहीं कॉटन भी था, ठीक है ना। फिर वो भी लूम्स मतलब न्यूलिथिक साइड में क्या करते थे, इंडिकेट मतलब न्यूलिथिक मैन हो गए, क्लोथ हो गए मतलब कि वूल हो गई, ये सब जूट हो गया, कॉटन हो गया। ओल्डेस्ट एविडेंस जो कॉटन के मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो भी आपको कहाँ मिले, मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये कॉटन जो है बहुत बेल्ट का है, गुजरात हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर कॉटन की पूरी बेल्ट है, क्योंकि क्लाइमेट फेवरेबल है उनकी सब चीज़ों के लिए। ये अब हाउसेस कैसे हो गए, देखो रहेंगे तो हाउसेस बनाएंगे, तो क्या क्या हट में रहते थे, मेड अप ऑफ बैम्बू या क्ले से बनाते थे, ठीक है। ये कहाँ पे मिले, एक्सेप्शन कश्मीर वैली और पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ है वहाँ पे क्या करते, कश्मीर वैली पंजाब पाकिस्तान में क्या करते थे, वहाँ पे पिट्स मिले हैं, पिट्स मतलब पिट्स क्या हो गया, गड्ढे खोद के या उसमें खोद के पिट्स ड्वेलिंग मिली है सिस्टम वहाँ पे। डिगर ग्राउंड सर्कुलर मतलब नीचे घुस के वो सर्कुलर ऐसे बनाते थे गड्ढों के अंदर। आप कभी अफगानिस्तान की कोई वीडियो देखना, वहाँ पिट्स में अभी भी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर से ऐसा दिखता है कि घर ही नहीं है पर नीचे घर होता है, वो ऐसा रीज़न क्या है पिट्स में रहने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब जैसे अभी अमेरिका वहाँ पे था, अफगानिस्तान पे वहाँ पे तालिबान है, तो हमला करते रहते हैं, दूर से दिख जाते हैं कोई घर नहीं है पर वो अंदर रहते हैं लोग, तो पिट्स टाइप के घर में यूज़ करते थे। तो वही सारा रीज़न है कश्मीर वैली और पंजाब में पिट्स टाइप का हम यूज़ करते थे, ठीक है। होम टू लिव मतलब क्योंकि स्टेप हो जाते, स्टेप करके नीचे चले जाते थे, अंदर रह लेते थे, और क्ले स्टेयर बना देते थे हम, क्ले के स्टेयर स्टेप्स बना देते थे। पर और जगह कैसा था, वहाँ पे हमने हट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, बैम्बू और क्ले की हम हट्स बनाने लगे थे। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेप बना देते नीचे, देखो ये प्लेन है ऊपर गड्ढा खोदा नीचे पूरा बना रखा है आपने, और स्टेप बना दिया नीचे रहने के लिए। तो उन्हें क्या पुट्स पोस्ट होल भी बोलते थे, ग्रास स्ट्रो ले डाउन ऑन द पिट्स, नीचे ग्रास वाला स्ट्रो लगाते। देखो एक वीडियो देखते हो आप यूट्यूब पे, वो नीचे खोद के घर बना देते हैं पूरा, वो फिर उस पर वो बैम्बू के ग्रास व्रास लगा देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, लगता ही नहीं नीचे घर है। उसी टाइप के हमने ये काम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पिस्ट ड्वेलिंग है कुछ टाइप की, वो क्या है आपके ब्रुजा होम में, आपके गुल्फ करल में, कश्मीर में, ठीक है ना, तो कहीं पंजाब में, तो वहाँ पे इनको देखा गया है। तो पंजाब वाले रीजन कश्मीर में वहाँ पिटहोल्स बनते थे, और अदर रीजन में हट्स बनती थी, ये आपको याद रखना। अब पोट्री भी आ गई थी भाई, मैन बहुत खिलाड़ी था, व्हील का इन्वेंशन हो गया था पोट्री के लिए, व्हील विच बिलीव इन द मैन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो एडवांसमेंट हो गया था ना, बहुत एडवांस हो गया था, न्यू एकदम पूरी एज में आ गया था, तो पोट्री का इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है ना, वहाँ पे बिकम द पॉसिबल हो चुका था, मेड बाय हैंड, ठीक है, प्रीवियस टाइम। बाद में व्हील का इन्वेंशन हो गया था, तो वहाँ पे क्या पेंटिंग भी होने लगी थी, सरफेस ऑफ द पोट्री बिकम पॉपुलर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब दफनाने की प्रक्रिया कैसी थी, नॉर्थ साउथ में थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे क्या था, दो टाइप की बुरल करते दफनाते, दो टाइप के, एक तो कंप्लीट और एक पार्शियल, ठीक है। इनकम्प्लीट बुरल में क्या था, सर्कुलर पिट बनाएंगे उसका, डिगर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट पिट द डेड बॉडी, उसके अंदर रख देंगे फ्लैट ऑन द बैक। अब ये सब चीज़ इसके रखने के बाद क्या, सिलेक्टेड बोन ऑफ द डेड पीपल बुरल ग्रेवन एंड डिगर इन द ग्राउंड, कस्टम बुरल रिपीट इन एनिमल डॉग भी साथ रख देंगे, ठीक है, विद देयर मास्टर्स। ये ब्रुजा होम और कश्मीर की जगह ये मिला है। एविडेंस क्या है कि मतलब पेट एनिमल गोट विद देयर मास्टर फाउंड इन मेहरगढ़ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। प्रोबेबली क्या है कि डॉग और गोट ही होता था जो साथ में रहता था, तो ये मतलब लोग कंप्लीट बुरल कर दिया इन्होंने, कंप्लीटली मतलब कैसे कर दिया इन्होंने, दोनों देखे गए हैं, कम्प्लीटली भी देखा गया है और पार्शली देखा गया है नॉर्दर्न इंडिया में, साथ में भी रख देते थे, और एक डेड एनिमल को लाइट ना फ्लैट ऑन द ब्लैक मतलब कुछ ऐसा भी करते थे, पार्शली उसको दबा देते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। कंप्लीट में क्या करते थे, वो पूरा उसके साथ सब सामान रख के ये सब काम उनको करके दबा देते थे। अब साउथ इंडिया में क्या था, वहाँ पे कम्प्लीटली था प्रोसेस, जो कम्प्लीटली या पार्शली प्रोसेस था। अंडर कम्प्लीट प्रोसेस में क्या करता था कि मतलब कि ओल्ड मैन फीमेल हैड ब्रूड इन देयर, कंप्लीट में क्या कर रहे हैं, लड़की और सबके साथ उसके एक ही जगह सब सामान उसका एक ही जगह रख देते थे। और पार्शली में क्या कर रहे हैं,
ठीक है, पार्सली में क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड बोन, डेड बॉडी, पीपल ब्रीड इन द ग्रेव, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ें उसके साथ में रख देते थे उसकी चीज़ें, और कंप्लीटली में क्या कर रहे हैं, जो भी उसकी चाहने वाली चीज़ें, इवन मेल और फीमेल साथ में कर दिया उन्होंने. नॉर्थ में कैसा था, फीमेल तो नहीं थी पर उसके जानवर वानवर कंप्लीट में वो थे, पाचली में उसकी सिलेक्टेड बोन रखते थे. बस यही आपको याद रखना है, वैसे पूछेगा नहीं, थोड़ा मैंने आपको अंतर बता दिया. अब टूल्स कैसे थे भाई, यहाँ पे तो ये खतरनाक कुछ हुए थे. टूल्स तो वैसे ही थे और भी पतले हो चुके थे, पर उन पर क्या स्टार्ट हो गया था, उन पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी थी. पॉलिशिंग स्टार्ट, पॉलिशिंग एकदम साइन मार के रखते थे, तो ये सारे उसमें पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी गई थी. लिमिटेड मेटल्स थे क्योंकि हमारे पास अभी क्या था, न्यूलिथिक एज में आर्कियोलॉजिस्ट नेम एज था, मतलब इसको मतलब चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपर, हमको मेटल एक कॉपर का भी इन्वेंशन यहाँ पे हो गया था, तो कहीं ना कहीं हमने कॉपर का भी यूज़ करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था. आपको साइट है देखो जो मैं आपको ऊपर बताई है, बलूचिस्तान में आपको मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर अलीवर एडवेंस एग्रीकल्चर के मिले हैं, शिप गुट के मिले हैं, ठीक है ना. फिर वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान में क्या क्या था, वो पिटहोल स्मेल रीजन थे, वहाँ पे रहते थे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है. फिर इंडस वैली जो पाकिस्तान में, वहाँ पे कुछ जगह है एविडेंस मिले हैं, देखो शिप के वही हैं सारी जगह. बस आपको याद रखना है जो पाकिस्तान सिंध पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के इन्वेंशन था. पिटहोल्स वाली जगह में रहते थे और यहाँ पे वीट और बाड़ले का खाना खाते थे. कॉटन का इन्वेंशन यहाँ पे हुआ था, उसके मास्टर के साथ उसके मतलब विरल भी रखा जाता था. कश्मीर वाला जो सारा रीजन था, बुर्जोहोम, बस आपको मैचिंग के लिए आ सकता है ये बुर्जोहोम कहाँ पे कश्मीर में है ये पूछ सकता है. जो मेन है वो ऊपर आपको मिल ही गए. फिर मध्य प्रदेश वाला रीजन है आपको, वहाँ भी आपको मिले. वही देखो इसमें भिंबिटका लेक, इसमें भी कहीं ना कहीं आएंगी, जो आपके मेहरगढ़ वाला एरिया एग्रीकल्चर एविडेंस वहाँ पे मिले थे पैडी के, तो ये सारे रीजन वहाँ पे हैं, वहाँ पे मिले. फिर संत कबीर डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़, बिहार में बहुत सारी चीज़ें मिले थे. देखो बिहार हो गया, इलाहाबाद हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़े ऐसे रीजन थे जहाँ पे आपकी पैडी हो सकता था, तो वहाँ पे इन्होंने. यहाँ पे आसाम मेन, मैंने आपको क्या बता रहा, नॉर्थ ईस्ट अब तक नहीं था, अभी नॉर्थ ईस्ट में घुस गया. आसाम के अंदर भी ये कहीं ना कहीं पहुँच गए, मेघालय में पहुँच गए, मणिपुर में पहुँच गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, वही तो बताना चाह रहा हूँ, और तमिलनाडु के अंदर भी कहीं ना कहीं पहुँच गए. अब जो दूसरी एज जो हम पढ़ेंगे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने न्यूलिथिक एज आपको क्या बताई थी, 10,000 से 1,000 BC तक. न्यूलिथिक एज कहाँ से थी, जस्ट वेट, 7,000 BC से 1,000 BC तक. इसी के बीच में इन्हें एक मेटल मिल जाता है कॉपर, तो उस एज को 7,000 से 3,000 3,500 से 1,000 BC तक है, तो न्यूलिथिक, पर इन्हें कॉपर मिल जाता है. तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यूलिथिक बीच में से ब्रेक करके, और ये चार्कोलिथिक एज भी आप स्टार्ट करो. चार्कोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी, मतलब चार्कोलिथिक क्यों, कॉपर को चार्कोलिथिक बोला जाता है, तो चार्कोलिथिक एज को बोलो और न्यूलिथिक को दो पार्ट पे ब्रेक कर दो. तो नहीं ऐसा ब्रेक नहीं हुआ, पर न्यूलिथिक ऐसे बोल सकते हैं, न्यूलिथिक चार्कोलिथिक एज दोनों एक साथ बोल दिए. यहाँ क्या था कि फर्स्ट मैन यूज द मेटल, पहली बार यूज़ किया गया था मेटल का, ठीक है, कॉपर का उन्होंने यूज़ किया था. आप याद रखना कॉपर सबसे पहला मेटल है. फर्स्ट ऑल द कॉपर यूज इन 5,000 BC के आसपास, इन्होंने ऐसा बिलीव किया जाता है, पर कोई एविडेंस नहीं है, तो यूपीएससी बिलीव पे विश्वास नहीं करता है. तो कॉपर की डिस्कवरी यहाँ पे हो चुकी थी, न्यूलिथिक एज में बोल दो, चार्कोलिथिक एज में बोल दो, ठीक है. अभी कॉपर बनता कैसे था, ये आपको टिन और जिंक को मिक्स करके विद द लिड को करके मेटल बन जाता था, अलाव वलाव को मिक्स करके ब्राउन बन जाता था. ब्राउन को ही कॉपर बोलते थे, नहीं ब्राउन बन जाता था, ब्राउन चला गया, ठीक है. फिर गोल्ड सिल्वर ये बाद में, आयरन वायरन और आगे मिलेंगे. नॉर्दर्न इंडिया में क्या था कि लिथिक एज में क्या था, ये चैलोलिथिक एज में, ठीक है, ये सब चीज़ें मिले हैं. वहाँ पे कुछ आयरन एज भी आ गया है, क्योंकि आयरन बाद में मिला है, साउथ इंडिया में मिला आयरन, ठीक है ना. तो ये आयरन बाद में मिला, तो आयरन से पहले कॉपर मिला, कॉपर वॉपर मिला, फिर ब्राउन ब्राउन मिला, फिर आयरन बहुत लास्ट में मिला है. आयरन मिलेगा जब आपके कौन आएंगे, आपके मेरे हिसाब से हड़प्पन के भी बाद आयरन मिलेगा, जब वैदिक कल्चर आएगा. वैदिक में क्यों मिला, क्योंकि ऐसा बोले जो आर्यंस का अराइवल हुआ था उनके पास आयरन थे, तो स्ट्रॉन्ग हथियार थे उनके पास, कॉपर से स्ट्रॉन्ग होता है आयरन, तो स्ट्रॉन्ग हथियार थे, वन ऑफ द रीज़न ये भी बोला जाता है. इसलिए आयरन आर्यनों ने बहुत जल्दी कब्जा कर लिया चीज़ों पर, ये सारी चीज़ें बोला जाता है. डायरेक्टली ऑक्यूपाई बाय द आयरन एज बाद में आएगी. द नॉर्दर्न इंडिया इज ए लिथिक स्टोन कॉपर वॉज यूज, देखो नॉर्दर्न इंडिया में कॉपर यूज़ कर रहे थे अब तक, आफ्टर कॉपर आयरन वॉज यूज, बट इन साउथ इंडिया आफ्टर स्टोन एज, वहाँ पर डायरेक्टली आयरन एज पर पहुँच गए हम, वहाँ पर कॉपर एज आई नहीं. इस मीन दैट द चार्कोलिथिक एज वॉज एग्जिस्ट ओनली इन नॉर्थ इंडिया,
ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो आपको ये भी याद रखना है, वो डायरेक्टली कॉप्स आयरन पे पहुंचे, पर यहाँ पे क्या था कि नॉर्दर्न में ये पहले कॉपर पे आए और उसके बाद वो गए आयरन एज पे, ये भी एक मेन पार्ट है। अब चारकोलिथिक एज को भी डिवाइड किया जाता है, पीढ़ी हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पन। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे विस्तार से, तब उसके अंदर में हड़प्पन से तीनों चीज पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम पीढ़ी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक ये स्टॉप करते हैं, इसके आगे जो पढ़ेंगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा यार सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो। थैंक यू सो मच।